बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये सीरीज़ के ऊपर हमारे पास लेक्चर हैं कुछ। फर्स्ट लेक्चर आप लोगों ने सुन लिया होगा, ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम टेस्ट टू चेक द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज उन पर बात कर रहे थे। और हमने दो टेस्ट पढ़े थे। अब थर्ड नंबर पे हमारे पास टेस्ट जो है वो है इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए, टेस्ट फॉर इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज। ये सीरीज़ हमारे पास किस तरह की होगी? सीरीज़ वन टू इन्फिनिटी ए आर की पावर एन या आर की पावर एन प्लस वन, ये इसके अंदर कॉमन रेशियो अगर मौजूद हो और ए कोई भी हमारे पास नंबर है, कोई रियल नंबर इसको समझ लें, तो इस सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में ये आर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो सीरीज़ है आर एन, अगर हम खाली आर एन की बात करें, एन गोज़ फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी या वन टू इन्फिनिटी, तो ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी अगर मॉड ऑफ आर लेस देन वन। अगर लेस देन वन होगा मॉड ऑफ आर तो ये सीरीज़ क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। और ये सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी अगर मॉड ऑफ आर ग्रेटर और इक्वल टू वन। अब हम आर की पावर को देखेंगे और उस आर की पावर को देख के हम बता सकेंगे कि हमारे पास जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। फर्ज़ करें आपके पास एक सीरीज़ है वन टू इन्फिनिटी टू और आर की पावर को मैंने गलत बोल दिया, आर की पावर को नहीं, आर को देखेंगे, आर का मॉड लेके देखेंगे। अगर आर का मॉड लेस देन वन आया तो हमारे पास जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ होगी वो कन्वर्जेंट होगी, और अगर आर का मॉड ग्रेटर और इक्वल टू वन हुआ तो डाइवर्जेंट होगी। जैसे यहाँ पर टू की पावर है, ये हमारे पास एक सीरीज़ है। अब यहाँ पर आर कितना है? हियर आर किसके इक्वल है? टू के इक्वल है। और मॉड ऑफ आर यानी मॉड ऑफ टू जो है वो तो टू ही होगा क्योंकि खुद एक पॉजिटिव नंबर है जो कि ग्रेटर देन वन है, तो इस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है ये डाइवर्जेंट है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, वन टू इन्फिनिटी वन ओवर टू की पावर एन, तो अब यहाँ पे आर कितना है? यहाँ पे आर वन ओवर टू है और इसका मॉड लेके देखें तो लेस देन वन आएगा, यानी मॉड ऑफ वन ओवर टू के इक्वल जो कि लेस देन वन है, तो ये इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, इसका मतलब है ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, ये सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी। तो इस तरह आप बहुत सारी सीरीज़ की एग्जांपल दे सकते हैं जिनके अंदर आर की जो आर का अगर मॉड लेके देखें तो वो लेस देन वन आए तो वो कन्वर्जेंट होगी, और अगर मॉड ऑफ आर ग्रेटर इक्वल टू वन आएगा तो वो डाइवर्जेंट होगी। अब यहाँ पे अगर आर की पावर एन मौजूद है, साथ में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई आप कर देते हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो उससे याद रखें सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ आप लोगों ने जहन में बिठा लेनी है। यानी अगर हमारे पास एक फ़र्ज़ करो सीरीज़ है ए एन, ये हमारे पास सीरीज़ है और ये कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, अगर हम इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, किसी नॉन ज़ीरो नंबर, फॉर सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर सी ज़ीरो हुआ तो जो डाइवर्जेंट सीरीज़ होगी हमारे पास वो कन्वर्जेंट हो सकती है, क्योंकि सीरो सी उसको मल्टीप्लाई करके सारे को ज़ीरो कर देगा तो उसका आंसर तो हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो। तो हमने कोई नॉन ज़ीरो नंबर लिया, उससे अगर हम इस सीरीज़ को मल्टीप्लाई करें तो अब जो न्यू सीरीज़ होगी वो क्या बन जाएगी? वन टू इन्फिनिटी सी ए एन। तो इस सीरीज़ और इस सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस में कोई फ़र्क नहीं होगा, ये आपने याद रखना है। ये सी कोई पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी तो ये सीरीज़ भी कन्वर्जेंट होगी, यानी अगर ये पहली सीरीज़ ये वाली सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी तो ये भी कन्वर्जेंट होगी, अगर ये सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी तो ये सीरीज़ भी डाइवर्जेंट होगी। तो ये रिलेशन आपने ज़रूर याद रखना है। अब हमारे पास ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जिसमें आर की पावर एन खाली आर मौजूद है, कोई साथ में कोई नंबर मौजूद नहीं है, लेकिन अगर हम कोई साथ में नंबर भी रख लें, साथ में कोई नंबर ए मौजूद भी हो, तो उस ए की वजह से इसकी सीरीज़ या
इस सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डिवर्जेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम इस ए को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे जिस नंबर की पावर मौजूद है, जो कि यहाँ पे जिसकी लिमिट्स मौजूद है 1 to infinity, एन के नीचे जो नंबर मौजूद है आर, उसको देखेंगे। अगर वो उसका मॉड लें और लेस देन 1 आ जाए तो हम कहेंगे हमारी सीरीज़ कन्वर्जेंट है, और अगर वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 आ जाए तो डाइवर्जेंट है। नेक्स्ट पर जो फोर्थ नंबर पे हमारे पास टेस्ट है, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट हमें कहता है, फर्ज करें हमारे पास दो सीरीज हैं, सपोज वी हैव टू सीरीज, एक सीरीज़ हमारे पास ए एन है एंड दूसरी सीरीज़ हमारे पास बी एन है, और यहाँ पे ये बात ज़रूरी है कि ये दोनों उनकी जो nth टर्म्स हैं वो नॉन नेगेटिव हैं, विथ ए एन एंड बी एन आर ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो, नॉन नेगेटिव हैं ये जो टर्म्स हैं, ये नॉन नेगेटिव फॉर ऑल एन एंड ए एन इज़ लेस और इक्वल टू बी एन, यानी इनकी जो nth टर्म्स हैं उनके दरमियान ये रिलेशन अगर मौजूद हो फॉर ऑल एन, या इवेंचुअली उनकी जो रिलेशन उनकी जो टर्म्स हैं nth टर्म्स हैं उनके दरमियान ये रिलेशन अगर मौजूद हो, दैन नंबर वन, इफ सीरीज बी एन इज कन्वर्जेंट then series an is also convergent. Number two, if series an is divergent then bn is also divergent. अच्छा बच्चों, इसको याद रखने के लिए आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो रिलेशन मौजूद है ए एन इज़ लेस आर इक्वल टू बी एन का, आप डाइवर्जेंट को कन्वर्जेंट को एज अ फाइनाइट नंबर समझ लें, समझने के लिए फाइनाइट नंबर, यानी कन्वर्जेंट जो सीरीज़ होगी उसका जो हमारे पास आंसर आएगा, उसका जो हमारे पास सम आ सकेगा, उसको हम सम कर सकेंगे, वो एक फाइनाइट नंबर आ जाएगा, और जो डाइवर्जेंट होगी ज़ाहिर है वो इन्फिनिटी को या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही होगी, उसका सम फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे, एग्जैक्ट सम उसका हम फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। तो आप कन्वर्जेंट जो सीरीज़ है उसको फ़र्ज़ कर लें वो एक फ़ाइनाइट नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है और डाइवर्जेंट इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखें ये जो इनके दरमियान रिलेशन मौजूद है, अगर ये जो बी एन है यानी ये सीरीज़ ए एन की, इस ए एन की nth टर्म ले ली और इस सीरीज़ बी एन की हमने nth टर्म ले ली, अगर इनके दरमियान ये रिलेशन मौजूद हो और बड़ी सीरीज़ की nth टर्म डाइवर्ज हो जाए, यानी बड़ी सीरीज़ ही इन्फिनिटी बन गई, तो ये इन्फिनिटी बन गई, तो फिर इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर बी एन एक फाइनाइट नंबर हुआ, फ़र्ज़ करें ये जो बी एन है ये कन्वर्जेंट है, ये सीरीज़ बी एन कन्वर्जेंट है, और यानी इसका मतलब है ये एक फ़ाइनाइट नंबर है, अगर ये फ़ाइनाइट नंबर है तो ए एन तो इससे भी छोटा है, इसका मतलब वो भी एक फ़ाइनाइट नंबर होगा, तो इसका मतलब है अगर बी एन कन्वर्जेंट है तो फिर ए एन भी कन्वर्जेंट होगी। तो ये पहला पॉइंट है कि अगर बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज कर जाए तो फिर छोटी भी ज़रूर कन्वर्ज करेगी, बड़ी सिमट जाए तो छोटी भी ज़रूर सिमट जाएगी। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है, हमारे पास जो छोटी सीरीज़ है वो ही डाइवर्जेंट है, यानी यहाँ पर ही इन्फिनिटी बन गया और इन्फिनिटी इज़ लेस आर इक्वल टू, अब यहाँ पे कोई फाइनाइट नंबर हम लगा सकते हैं क्या, यहाँ पे हम कोई फाइनाइट नंबर नहीं लगा सकते जो इन्फिनिटी से बड़ा हो, यहाँ भी इन्फिनिटी आएगा, तो इसका मतलब है अगर छोटी सीरीज़ डाइवर्ज कर जाए तो फिर बड़ी सीरीज़ भी डाइवर्ज ज़रूर करेगी। तो इस टेस्ट को आपने बड़ी अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि अगर बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज कर जाए तो फिर छोटी सीरीज़ भी कन्वर्ज कर जाएगी, और अगर छोटी सीरीज़ डाइवर्ज कर जाए यानी छोटी इस जगह पर ही इन्फिनिटी आ गया तो फिर ये भी इन्फिनिटी होगा, छोटी सीरीज़ डाइवर्ज करेगी तो बड़ी सीरीज़ भी डाइवर्ज करेगी, और इस इनका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं होगा, यानी आप कहें ए एन इज़ लेस आर इक्वल टू बी एन, अगर बी एन डाइवर्ज कर जाए यानी यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाए
इज लेस आर इक्वल। अब यहाँ पे फाइनाइट नंबर भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकती है, यहाँ पे फाइनाइट नंबर भी हो सकता है और इन्फिनिट नंबर भी हो सकता है। इसका मतलब है अगर बी एन इन्फिनिटी आ जाए तो फिर हम ए एन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसी तरह अगर ए एन कन्वर्ज कर जाए, ए एन कन्वर्ज करे कोई फाइनाइट नंबर है, तो बी एन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हम सिर्फ इन्हीं दो पॉइंट्स के बारे में कह सकते हैं, अगर बड़ी कन्वर्ज करेगी तो छोटी भी कन्वर्ज करेगी, अगर छोटी डाइवर्ज कर जाएगी तो बड़ी भी डाइवर्ज करेगी। ये हमारे पास बेसिक कंपैरिजन टेस्ट है। अब जो इस टेस्ट के हमें बड़े फ़ायदे होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी फर्ज करें हमारे पास एक सीरीज़ है 1 to infinity 1 over 1 plus n square, और इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के बारे में हमें बताना है। हमें इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन आपको याद होगा कि इस सीरीज़ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन है, सीरीज़ 1 to infinity 1 over n square। इसको हम पी सीरीज़ टेस्ट के ज़रिए चेक कर सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पे पी 2 के इक्वल है जो कि ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है ये सीरीज़ तो कन्वर्जेंट सीरीज़ है। अच्छा, अब हम यहाँ पे जो इसकी nth टर्म है उसको इस सीरीज़ की nth टर्म से रिलेट करके देखते हैं। ये बात तो आपको बड़ी क्लियर है कि यहाँ पे हमारे पास 1 plus n square जो होगा, n को यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 to infinity जा रहा है, 1 plus n square ग्रेटर देन होगा n square से। आप n कुछ भी रख लें, 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 का square 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 का square 1 plus 1 2 आ जाएगा, 2 is greater than 1। 1 plus n square हमेशा ग्रेटर देन होता है n square से। अच्छा, और ये बात भी आपको पता है कि अगर हमारे पास a ग्रेटर देन b हो तो 1 over a जो होता है वो लेस देन हो जाता है 1 over b से। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये उलट हो जाएगा, सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा फॉर पॉजिटिव नंबर्स, और ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 1 over 1 plus n square इज लेस देन 1 over n square। तो अब ये हमारे पास गिवन सीरीज़ थी, और ये वो सीरीज़ है जिसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से मौजूद है, और हमने इस सीरीज़ को इस सीरीज़ की nth टर्म से रिलेट कर लिया, इसकी nth टर्म को इसकी nth टर्म से रिलेट कर लिया, और रिलेशन हमारे पास मौजूद है, यानी ए एन इज़ लेस देन बी एन का रिलेशन हमारे पास बन गया। अब मैंने आपको बताया कि अगर बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज कर जाए तो फिर छोटी सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी, और यहाँ पे जो बड़ी सीरीज़ की nth टर्म है वो ये है, और हमें इसके बारे में पी सीरीज़ टेस्ट बताता है कि ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, और ये दोनों पॉजिटिव भी हैं, दोनों की जो nth टर्म्स हैं वो पॉजिटिव हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे एस सीरीज 1 over n square इज कन्वर्जेंट, सो बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट हम ये कह सकते हैं कि सीरीज 1 over 1 plus n square इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो इस तरह से हमें कोई भी सीरीज़ गिवन होगी तो हम एक ऐसी सीरीज़ ढूंढेंगे जिसको हम उसे रिलेट कर सकें, और आमतौर पे ऐसी सीरीज़ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन दी न्यूमिनेटर एंड हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन दी डिनोमिनेटर ले लेते हैं, और उसके साथ उसको रिलेट कर लेते हैं। ये दो टेस्ट हमने इस लेक्चर में कवर कर लिए, नेक्स्ट जो टेस्ट हैं उनके लिए हम डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।